आइए और जानकारी लेते हैं कि क्या मांगे हैं। सर आपका नाम? ये सर मेरा नाम मास्टर सज्जाद हुसैन सर, मैं मदरसा टीचर हूँ। कहाँ से आए? मैं रामपुर से आया, 672 मेरी लाट की संख्या है। मुझे 23 महीने से वेत मानदेय नहीं मिला है, मेरे घर की स्थिति दयनीय है और घर की स्थिति दयनीय होगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी या पालन पोषण सही ढंग से नहीं होगा तो मुझे भूख हड़ताल नहीं, मुझे आत्मदाह करने में भी कोई शक और शिवा की बात ही नहीं होगी। सर आपने लाट का नाम लिया, ये लाट क्या है? लाटों में विभाजन कर दिया है मदरसा की, 500, 456, 672, 1873, 1885, ये कई लाटें जो बना दी, 7-8 लाटें बना रखी हैं, मदरसों को विभाजन मान देखो विभाजन कर रखा है कई लाटों में। सर मेरा क्वेश्चन ये था, लाट ये है क्या? लाट का ये आपने जो लाट बताया तो लाट का ये क्या, ये व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लाट? जो हमारा मदरसा आधुनिकरण जो सबमिट हुई फाइल स्वीकृत हुई तो उसको कुछ जो 672 लाट में जो उस हुई कोई सन में 2004 की तो वो 672 में डाल दी गई, जो जिस साल से वो सबमिट हो की गई तो उसी को अलग डाल दिया गया कि इतने नंबर दे दिए गए इस लाट वाइज, लाट बना दी गई। सबका वेतन मानदेय इकट्ठा नहीं आता है तो 456 का वेतन जो है 43 महीने से नहीं आया है, जो 456 लाट है। आप कुछ कह रहे थे? मैं राजपाल गिरी मदरसा सोनदत्त से। आप राजपाल गिरी जी और मदरसा टीचर हैं जी? तो आप कहाँ से आए हैं? मैं सोनदत्त से आया, मेरठ से, जिला मेरठ से जी। तो क्या मांगे आप, किन मांगों को लेकर आए? ये है, दो साल से हमें तनख्वाह नहीं मिली, दो साल तक बच्चे क्या खाएं, हम क्या खाएं, कैसे करें, कहाँ से पेट्रोल लें, कहाँ से खाना लें, बिजली का बिल कहाँ से दें, तो बहुत सारी परेशानी आ गई हैं। हमारे बच्चे जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके नाम काट दिए गए, वे घर आ गए, अब पापा जाते हैं अगले महीने तनख्वाह मिल जाएगी, हम जाते हैं बच्चे बाहर देखते हैं पापा तनख्वाह मिल गई तो उनके लिए क्या जवाब दें हम, बच्चे मायूस हो गए, सब घर पर बैठ गए हैं, नाम कट गए हैं, हमारे सामने भुखमरी का कगार आ चुका है और इस हालत में हमारे इस आंदोलन से भी अगर काम नहीं चलेगा तो जैसे मेरे साथिया कह रहे, मैं सब साथियों के साथ हूँ। गिरी जी, जैसे आप मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं वहाँ मोमडन बच्चे होते हैं, तो आपके मदरसे के अंदर हिंदू और मोमडन बच्चे कितने हैं? वो लगभग 350 हैं बच्चे टोटल। टोटल जी तो 50 हिंदू हैं जी और 300 मोमडन। तो आपको इन बच्चों को पढ़ाने में और आपके मदरसे के अंदर कितने टीचर हैं? टीचर हैं 11। 11 टीचर हैं जी। तो ये 11 टीचर जो है वो अलग अलग से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? एक सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाते हैं। कितनी क्लास से स्टार्ट है और कितनी क्लास से? 8वीं तक। पहली से 8वीं तक जो 8वीं पास होते हैं बच्चे उनको आप जो है सर्टिफिकेट कहाँ से देते हैं? देते हैं अपने स्कूल से देते हैं, मान्यता प्राप्त है। कहाँ से मान्यता प्राप्त है आपका? यूपी बोर्ड, ये मदरसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड। आइए और जानकारी लेते हैं, हमारे युवा साथी हैं ये भी मदरसे के अंदर शायद ये पढ़ाते हैं, अब इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपका नाम? अमित कुमार मेरठ से है। मेरठ से जी। तो आप कौन से मदरसे में पढ़ाते हैं, क्या नाम है आपके मदरसे? मदरसा मुफीदाम सोनदत्त से पढ़ाते हैं। मदरसा मुफीदाम सोनदत्त से। तो आपकी क्या मांग, किन मांगों को लेके आए हैं? मांग हम दो साल से मानदेय नहीं मिला जी, बहुत परेशानी आ रही है, सब भुखमरी का कगार पे चल रहे हैं जी। आपको जब वहाँ सिलेक्शन हुआ था तो आप किसके द्वारा सिलेक्टेड हुए वहाँ पर? वो तो मैं उदय प्रबंधक साहब स्कूल के, जो स्कूल के होते हैं ना प्रबंधक साहब, वो करते हैं सिलेक्शन। हम मैनेजर साहब। तो आप में क्या एजुकेशन है? हमारे एमए बीएड सर, एमए बीएड कर रखा हमने। ठीक है, धन्यवाद।